आज की क्लास में आप सभी स्टूडेंट बोल्ट्स एटॉमिक मॉडल का एप्लीकेशन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के कैलकुलेशन के बारे में सिखाया जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कैलकुलेट करेंगे अभी जस्ट, और वो भी बोल्ट्स एटॉमिक मॉडल के स्टेटमेंट नंबर 3 से, जिसमें लिखवाया गया था ओनली दो ऑर्बिट्स आर परमिटेड विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू nh बाई 2π। यानी बोल्ट्स एटॉमिक मॉडल का तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि वे ही ऑर्बिट स्टेबल माने गए हैं जिसके इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम nh बाई 2π के इक्वल होता है। बोल्ट्स एटॉमिक मॉडल के थर्ड स्टेटमेंट से आप जान चुके हैं कि एंगुलर मोमेंटम किसी इलेक्ट्रॉन का, एंगुलर मोमेंटम मतलब mvr, बट पर ध्यान दीजिए mvr nh अपॉन 2π, जो हमने लैंग्वेज में बोला वही है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। क्या हम बोले हैं? इलेक्ट्रॉन का ओनली दो ऑर्बिट्स आर परमिटेड विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू nh बाई 2π, केवल वही ऑर्बिट स्टेबल माने गए हैं जिसके इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, सिर्फ मोमेंटम बताए थे पिछले क्लास में, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, और एंगुलर मोमेंटम मास, वेलोसिटी और साथ साथ रेडियस, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पथ पर मोशन में होता है। तो जब सर्कुलर पथ पर मोशन में होता है तो सिर्फ मास और वेलोसिटी से काम नहीं चलेगा, यहाँ रेडियस भी लेना होता है मोमेंटम को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का मास तो चाहिए ही चाहिए, वेलोसिटी और साथ साथ रेडियस जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं वेलोसिटी, तो आपका सारा ध्यान वी पर होना चाहिए, वेलोसिटी पर होना चाहिए, और ये वेलोसिटी इक्वल nh अपॉन 2π mr, जिसमें से r रेडियस है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n नंबर ऑफ ऑर्बिट है, और h प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो यहाँ पर आप वेलोसिटी का पहली बार फॉर्मूला देख रहे हैं। ये फार्मूला कहाँ से आया? स्टेटमेंट नंबर 3 से। अभी भी इसमें कुछ कैलकुलेशन बाकी है, आप लोग रेडियस का फार्मूला पढ़ कर आए, जल्दी से बता दीजिए। आर इक्वल क्या होता है? एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर पाई एम। तो आप लोगों में से जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ रहे हैं और डायरेक्ट एप्लीकेशन नंबर 3 पढ़ रहे हैं, तो पहले एप्लीकेशन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लीजिए, तो आपको बहुत मन लगेगा आज के क्लास को कंप्लीट करने में, समझने में, क्योंकि आर का एप्लीकेशन नंबर 1 से रिलेशन है और यहाँ पर आर का वैल्यू हम रखने जा रहे हैं। तो बताइए वी इक्वल एन एच अपॉन 2π एम, और आर का कंप्लीट वैल्यू यहाँ आने जा रहा है एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर पाई एम। ये कहाँ आया? कहाँ से? आर के वैल्यू से। और इसमें से क्या क्या अब कटने लायक है जल्दी से बताइए, बोलिए। पाई और एम कैंसिल, साथ साथ एन और एच का एक एक कैंसिल, अब ये ऊपर चला जाएगा और फाइनल वैल्यू लाएगा, और ये फाइनल वैल्यू क्या आ रहा है बता दीजिए? फाइनल वैल्यू आ रहा है वेलोसिटी का भी इक्वल जेड ई स्क्वायर, भी इक्वल जेड ई स्क्वायर अपॉन 2, इसमें से एक एन बचा एच एप्सिलॉन नॉट, यही आपका वेलोसिटी का फाइनल फॉर्मूला है। फाइनल फॉर्मूला है, एक बार फिर से शुरू से अंत तक। अकॉर्डिंग टू बोल्ट्स एटॉमिक मॉडल वी नो दैट ओनली दो ऑर्बिट्स आर परमिटेड विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन
इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई, देन वेलोसिटी इक्वल यहाँ हमने ला दिया, रेडियस का फॉर्मूला इतना होता है। तो जो स्टूडेंट आज से पढ़ रहे हैं मान के पढ़ेंगे कि रेडियस का फॉर्मूला है, ये पूरा वैल्यू यहाँ उठाकर फिट कर दिया गया और फाइनल फार्मूला यहाँ मिल गया। अब इस फाइनल फार्मूला में जेड आया है, जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। अगर हम बात करेंगे सोडियम का तो एटॉमिक नंबर 11, अगर हम बात करेंगे हीलियम का तो जेड इक्वल 2 हो जाएगा, अगर हाइड्रोजन का बात करेंगे तो 1, सल्फर का बात करेंगे तो 16। तो ये चीज़ आपको आना चाहिए। ई यूनिट चार्ज है जिसका वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है। एन नंबर ऑफ ऑर्बिट है, अगर इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट में है तो एन का वैल्यू 5 हो जाएगा। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, ई एप्सिलॉन नॉट 8.854 × 10⁻¹½, ये एक कांस्टेंट है। तो ये सारा वैल्यू आप दो दिन लगातार यूज किए हैं। अब हम इससे आगे बढ़ रहे हैं, किसी भी एटम के लिए हम वेलोसिटी का फॉर्मूला लाने जा रहे हैं, किसी भी एटम के लिए। देखा जाए ये आपने डिफाइन कर लिया, सारे पॉइंट के बारे में यहाँ बता दिया गया है, एन नंबर ऑफ ऑर्बिट, एच प्लैंक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट, जेड, ई, एम। और अब जरा ध्यान दिया जाए, अगर हम स्पेशली हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है और वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, तो हाइड्रोजन नाम सुनते ही जेड इक्वल, फर्स्ट ऑर्बिट बोले तो एन इक्वल, तो यहाँ जेड का वैल्यू और एन का वैल्यू आप सभी स्टूडेंट समझ गए, और बाकी किसी का वैल्यू हमको नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि कांस्टेंट है, ये सभी कांस्टेंट है। ध्यान से देख लीजिए, जो लोग क्लास एब्सेंट किए हैं या जो आज से पढ़ रहे हैं, ये सब कभी मान ये सब का नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर हमने मान ये सभी वैल्यू को पुटअप कर दिया और ये फाइनल आ गया। ये किसके लिए आया? वेन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में है तब। तो एन इक्वल 1, जेड इक्वल 1 रखकर हमने सॉल्व कर दिया। अपने किए गए कैलकुलेशन का भरपूर फायदा आप उठा सकते हैं कोई भी क्वेश्चन को बनाने के लिए, कैसे दिखा रहे हैं। अब हम कभी भी इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, टाइम लगेगा, हम आपका टाइम अब बचाने जा रहे हैं। इस तरह से आप अगर पूछा जाए कि बताइए Li++ के फिफ्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, आप वेलोसिटी निकालिए, तो लिथियम नाम सुनते ही यहाँ पर रख देंगे आप 3, फिफ्थ ऑर्बिट में है 5, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे बहुत टाइम लगेगा। अब हम एक शॉर्ट फार्मूला निकाल रहे हैं, यहाँ से जरा सोचिए, इस 1 को इस 1 को हटा ले तो भी मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर वही आएगा, मतलब इस 1 और 1 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कोई फर्क नहीं डालता है, और यही दोनों बदलने वाला है, जेड और एन और कोई नहीं। तो जेड के जगह जेड ले लिए और एन के जगह एन ले लिए, तो बाकी सभी मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर इतना आएगा कि नहीं आएगा? तो ये किसी भी एटम के लिए मतलब पूरा एप्लीकेबल होगा ही होगा। और अब वेन इलेक्ट्रॉन बोर्ड पर ध्यान लगाइए, वेन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन टू दी एंथ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, एनी एटम बोल दिया। अगर ये नाम लेता लिथियम तो जेड इक्वल 3, नाम लेता हीलियम जेड इक्वल 2, एनी एटम बोल दिया मतलब हम लोग को नहीं पता है, तो नहीं पता है तो हमने जेड इक्वल क्या ले लिया, और एंथ ऑर्बिट अगर आप बोलते फिफ्थ ऑर्बिट तो एन इक्वल 5, सेवेंथ ऑर्बिट तो एन इक्वल 7, लेकिन एंथ ऑर्बिट तो एन इक्वल, तो यहाँ पर एन का वैल्यू एन और जेड का वैल्यू जेड अगर ले तो आप ही बताइए ये फॉर्मूला आएगा। तो ये एंथ ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी का यूनिवर्सल फॉर्मूला मिल गया जो किसी भी एटम के लिए एप्लीकेबल होगा। क्या हम कहना चाहते हैं क्वेश्चन से क्लियर कर दे रहे हैं, हाइड्रोजन के 10th ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है और हमको विद इन 30 सेकेंड या 1 मिनट में हमको एंसर चाहिए उसके वेलोसिटी का। तो हाइड्रोजन के 10th ऑर्बिट में हाइड्रोजन नाम सुनते ही जेड का वैल्यू, 10th ऑर्बिट में है एन का वैल्यू, 1/10 इसमें से कट गया है सर, ये आपका कैलकुलेशन का स्पीड होगा। अगर हम बोले कि Li++ के 3rd ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उसका वेलोसिटी बताइए, तो Li नाम सुनते ही जेड इक्वल 3,
और थर्ड ऑर्बिट में है तो n इक्वल 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, पूरा पूरा कट गया। और अब कैलकुलेट दी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन फर्स्ट 5 ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहां पर फर्स्ट 5 ऑर्बिट में स्थित इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बताना है। लगातार दो तीन दिन से इस तरह के क्वेश्चन आप बना रहे हैं और आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है। तो शुरू हो रहा है पहले फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने का प्रयास कीजिए। फर्स्ट 5 ऑर्बिट के में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बताना है अलग अलग। तो फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए केवल बात हो रहा है तो n इक्वल क्या हो जाएगा जी, और z इक्वल हाइड्रोजन है तो 1। तो यहां पर v1 इक्वल हो जाएगा इंटू 10 2.19 10 पावर, तो यहां पर 1/1 2.19 10 पावर 6, फाइनल आंसर 2.19 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड। फोर्थ सेकेंड ऑर्बिट, फोर्थ सेकेंड ऑर्बिट n इक्वल क्या हो जाएगा 2, लेकिन z 1 ही रहेगा। क्यों? एटम सेम है, हाइड्रोजन नहीं बदला है, हाइड्रोजन एटम में ही फर्स्ट 5 ऑर्बिट का निकलना है। तो बोलिए v2 इक्वल 1/2 × 2.19 10 पावर, तो ये आपका 1.095 × 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका सेकेंड ऑर्बिट का आया। थर्ड ऑर्बिट के लिए एन का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप 5 बार कैलकुलेशन करेंगे और इस पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये था आपका आज का क्लास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। इससे पहले एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए आपने कैलकुलेशन किया और उससे पहले रेडियस का। आपको बता दें कि आगे का क्लास हम ले करा रहे बहुत ही इंटरेस्टिंग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रल सीरीज के लिए, जिसमें आप लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन ब्रैकेट और फंड हम भी इस सीरीज के बारे में जानेंगे, जो काफ़ी समझने लायक क्लास है। तो जो भी चैनल पर इस नए हैं स्टूडेंट, वो अपना शेयर और सब्सक्राइब करें और कंप्लीट वीडियो लेक्चर के लिए ऐप डाउनलोड करें केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर, और 9431434546 पर मैसेज करके कंप्लीट जानकारी।